जब भी मन करे कुछ हल्का फुल्का खाने का, कम तेल मसाले वाला नाश्ता भरपेट जिसे खा सके, तो यह नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही अच्छा है और जल्दी से बन भी जाता है। यह नाश्ता आप सुबह में भी बना सकते हैं, शाम की हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, सारी बातें अच्छे से जानिएगा और आप नाश्ता बनाइएगा तो इस तरह से आपका भी नाश्ता बनके तैयार होगा। आप इस तरह से नाश्ता बना पाएंगे क्योंकि बनाना बहुत आसान है। सारी सामग्री घर में ही है, कुछ बाहर से लाना नहीं है। तो चलिए बनाते हैं देर न करते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हमने एक कटोरी पोहा 2-3 पानी धो के ले लिया है। तो छन्नी में जब धो के लेते हैं सारी डस्ट अच्छे से निकल जाती है। अब इसी इस बर्तन में हम पलट दिए हैं। अब इसको रख देते हैं फूलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो इधर एक बर्तन और लेते हैं, इसमें हमें सूजी भिगाना है। तो जिस कटोरी से हमने पोहा लिया था उसी कटोरी से हमने यहाँ पे सूजी लिया है। तो एक कटोरी हमने पोहा उधर धो के रखा फूलने के लिए और इधर उसी कटोरी से हमने आधी कटोरी दही लिया है। तो दही हमारा थोड़ा खट्टा है, यदि आपका कम खट्टा है तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दही के साथ ही हम सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे दही के साथ ही फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10-15 मिनट में हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। दही कम लगे तो आप और ले लीजिएगा। तो बस इसको भी रख देते हैं साइड में। तब तक चलते हैं हम अपनी चटपटी सी चटनी बनाते हैं जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। यहाँ पर हमने थोड़े से धनिया को अच्छे से 2-3 पानी धो के ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिया है जिसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा टुकड़ा कर लिया है। अब इसमें डालेंगे अदरक। यहाँ पे हमने लिया है नारियल, कद्दूकस किया हुआ नारियल है जो पैकेट वाला आता है, हमने वही लिया है। तो यहाँ पे 1 चम्मच बड़े चम्मच से भर के लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इमली लिया है। यहाँ पे डालेंगे थोड़े से पुदीना, फ्रेश पुदीना के पत्ते डालने से बहुत ही अच्छा लगता है चटनी का स्वाद। यहाँ पर हमने डाल लिया है मिर्ची, तो 1 मिर्ची डाला है, ठीक है आप जैसे पसंद करते हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। 4 कली लहसुन का डाला है और यहाँ पर आधा नींबू का रस निकाल के लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से पीस लिया है, इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, जैसे आप नमक पसंद करते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, चटनी बनके हो गई तैयार। इस चटनी में हम लगाएंगे थोड़ा सा तड़का और चटनी का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलते हैं तड़के की तरफ। यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी राई, सरसों, थोड़ा सा हींग डाला चुटकी भर, इसमें 1 मिर्ची डाल दिया है। इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते, अच्छे से इन्हें चटकने दें। तो देखिए हमारा बढ़िया से तड़का तैयार हो गया है। गर्मा गर्म तड़का अब डालेंगे चटनी के ऊपर। तड़का यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे भी चटनी आप खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसे ही बना लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर रख दिया है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, इधर सूजी देख लेते हैं। तो देखिए हमारी सूजी बढ़िया से फूल गई है, ये देखिए बिल्कुल जैसे हम आटा का डो तैयार करते हैं सॉफ्ट डो, उस तरह से हमारा हो गया है। तो थोड़ा सा मसल लेंगे, इसे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा जैसे आटे का डो तैयार करते हैं उस हिसाब से हो गया। उसे रखते हैं साइड में। अब इसी बड़े बर्तन में हम पोहा ले लेते हैं क्योंकि पोहा को भी हमें हाथों से मसल मसल के आटे के जैसा इसे डो के रूप में ले आना है। तो देखिए जब बढ़िया से फूल जाता है तो मसलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए हाथों से हम इसे मसल रहे हैं तो कितना बढ़िया से ये आटे के जैसा हो गया और ये जैसे हम आटा का डो लगाते हैं उस हिसाब से हो गया। तो देखिए बढ़िया से हो गया। तो दोनों को हमने अलग अलग किया क्योंकि एक साथ करते तो सूजी तो बारीक होती हो जाता लेकिन आप पोहा उतने अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए अलग अलग करना पड़ा। दोनों के एक साथ रख लेंगे। इसमें 1 चम्मच डाल दिए भुना जीरा पाउडर और डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने से बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद। यदि आप और कोई मसाला पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, पर हम इतना ही डालेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छी चटपटी चटनी बनाई तो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तब क्या करेंगे, इसी आटे के जैसे हम आटा गूंथते हैं उस हिसाब से इसे दोनों को मिक्स करना है। सूजी और पोहे को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बढ़िया से जब मिक्स हो जाएगा तब देखिएगा एकदम बढ़िया सा
डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह के, हमारा गीला भी नहीं है सूखा भी नहीं है। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा इसमें हमने बॉल के हिसाब से ले लिया है और इसे पहले गोल सेप दिए फिर हाथों से चिपटा कर दिए। तो देखिए हमारी ये टिक्की जैसे बन गई है। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया। बहुत मोटा मत बनाइएगा क्योंकि इसे हमें भाप में पकाना है। तो चाहे आप टिक्की का सेप दें चाहे आप सिलेंडर सेप दें, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आप रख लीजिए। दोनों हमने आपको दिखा दिया, तो हम सारा टिक्की के सेप में ही बनाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी सी हमने बना ली है, मिनी इडली जैसी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए इतना सारा हमने बना लिया है। तो अब इस तरह से जो गेहूँ छानने वाली छन्नी जैसी थाली होती है या फिर दूध वाली जो जाली होती है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने ये थाली ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा जब भाप लगाएंगे। तो जब अच्छे से हमने ऑयल लगा लिया तब एक एक करके सारी इसमें नाश्ता हम रख देंगे। तो देखिए एक ऊपर एक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चिपकता नहीं है। अब इधर कढ़ाई में हमने पानी 2 गिलास डाल के रख दिया था। पानी देखिए बढ़िया से गर्म हो गया। इसके नीचे एक रिंग रखेंगे, जब पानी उबलने लगेगा तब इसमें प्लेट इस तरह से रख देंगे और ऊपर से इसे ढक देंगे। करीब 10-12 मिनट लिए हमने ढक दिया था। 10-12 मिनट बाद आपको चेक करा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया से पक गया, बिल्कुल चाकू में चिपक नहीं रहा। तब क्या करेंगे, फ्लेम बंद करेंगे, इसे निकाल लेंगे बाहर। जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। एक दूसरे के ऊपर ये रखा हुआ था फिर भी देखिए चिपक नहीं रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ता, बहुत ही झटपट बन जाता है और हेल्दी नाश्ता है। तो इस तरह से देखिए हमने ढेर सारा बना लिया, 1 कटोरी पोहा 1 कटोरी सूजी में। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे, आप बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने तेल डाला पैन में और जैसे तेल गर्म हो गया तो यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने सरसों डाल दिए। सरसों जैसे चटकने लगे तब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते। यहाँ पे हमने लिया 1 चुटकी हींग, हींग जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद। अब सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकने देंगे। तो देखिए हमारा करी पत्ता भी पक गया और मिर्ची पक गया। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच सांभर मसाला, ये हमारा घर का तैयार किया हुआ मसाला है। यदि आप मसाला नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही तड़के के साथ आप इसे फ्राई कर लीजिए। यदि आप नहीं फ्राई करना चाहते तो ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से कोट कर दीजिए मसाले के साथ। गैस का फ्लेम हमने धीमा रखा था क्योंकि तड़के में यदि आप तेज करेंगे तो तड़का जल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया से इसमें कोट हो गया, कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आपने यह नाश्ता बना लिया तो देखिएगा आप इसके फैन हो जाएंगे और हर बार आप इस तरह से नाश्ता बनाना चाहेंगे। तो हमारा नाश्ता पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है। इसको रखते हैं प्लेट में चटनी के साथ। आप और कोई मनपसंद अपनी चटनी बना सकते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितना बढ़िया से इसमें मसाला लिपट गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार आप यह नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि यह वीडियो मेरे भाई लोग देख रहे हैं तो घर में जो बनाता है नाश्ता खाना, आप उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए और आप उनसे बनवाइए, देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट है इसमें, जबकि हमने मीठा सोडा नहीं डाला है फिर भी इतना सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बन के तैयार है, देखिए कितना स्पंजी है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें तेल मसाला बिल्कुल ना के बराबर है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम टेस्ट करके बताते हैं कि नाश्ता कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों, लेकिन आप इसका स्वाद तब जान पाएंगे जब आप बनाएंगे। देखिएगा यह नाश्ता जब आप बनाएंगे तो घर में छोटे बड़े सबको बेहद पसंद आएगा, सब आपकी तारीफ करेंगे और झटपट यह बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और भी वीडियो देखिए। हम इस तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी लेके आते रहें, इसके लिए आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो जैसा लगे कमेंट करके भी बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।